क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें हत्यारा सबूतों के अभाव में छूट रहा हो लेकिन अचानक आत्मा खुद गवाही दे और पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दे? आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन अमेरिका में साल 1977 में हुए टेरेसिटा मर्डर केस में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आइए समझते हैं क्या है टेरेसिटा मर्डर केस, जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा पाती अगर एक आत्मा ने खुद ना दी होती अपने कत्ल की गवाही। Some lives are extinguished in such strange and horrifying ways that they haunt us for years. They become those famous murders that dominate headlines and airwaves around the world and haunt our collective dreams. From the Black Dahlia to Lizzie Borden to the Manson family, the stories behind these famous murders remain haunting to this day. Join us. It's not just the deaths themselves that makes these famous murders so chilling. Millions of lives end every day without a single peep on the news. But in a handful of cases, there's something else that hits us on a deeper, more primal level, something that feeds into our darkest. यह ऐसी होती हैं जो हैरान करने वाली होती हैं, तो कुछ ऐसी जिनका कोई वजूद नहीं होता और कोई ऐसी भी होती है जिनके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें कानून को भी उन चीज़ों के बारे में मानना पड़ता है जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। ऐसे में वो चीज़ या वो शख्स जिसका कोई वजूद नहीं लेकिन जो कानून के लिए सबूत पैदा कर दे, तो उसे कानून को मानना पड़ता है। अमेरिका पुलिस के इतिहास में एक ऐसा ही केस है टेरेसिटा बासा का। इस केस को देख रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना चाहते हुए भी माना था कि इस मर्डर मिस्ट्री को एक आत्मा ने सुलझाया है। पहले समझते हैं कौन थी टेरेसिटा बासा और क्या हुआ था उनके साथ। टेरेसिटा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वह अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। अच्छी परवरिश और शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वह अमेरिका के शिकागो शहर में पहुँचती हैं और वहाँ म्यूजिक में एमए करने लगती हैं। टेरेसिटा बासा को पियानो बजाने का शौक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया और बाद में वह एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ गईं। साल 1977 में जब टेरेसिटा की उम्र 47 वर्ष हो चुकी थी, 21 फरवरी 1977 की शाम वह अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थीं। अचानक उन्होंने अपने उस दोस्त से कॉल को यह कह के कट कर दिया कि थोड़ी देर में उनका एक दोस्त आने वाला है। वह दोस्त यह नहीं जानता था कि टेरेसिटा से उसकी यह आखिरी बातचीत थी। फ़ोन काटने के करीब एक घंटे बाद टेरेसिटा के अपार्टमेंट में से अचानक धुआं निकलने लगता है। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग जाती है। आग टेरेसिटा के फ्लैट में ही लगी थी। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड टीम की नज़र एक कारपेट पर पड़ती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कारपेट को खोला तो उसमें टेरेसिटा मिली और वह आधी जल चुकी थी। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उनके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था। यह देख पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस को पहली नज़र में लगता है कि यह एक मर्डर है, क्योंकि टेरेसिटा के शरीर पर कपड़ा नहीं था। ऐसे में पुलिस को रेप का भी शक होता है। कातिल ने सुराग मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी थी। बाद में डॉक्टर्स के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था। पुलिस घर को चेक करती है तो अंदर सारा सामान बिखरा मिलता है। पुलिस अब लूटपाट के इरादे से मर्डर के एंगल पर जाती है। पुलिस टेरेसिटा के पेरेंट्स और उनके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन अचानक पुलिस को टेरेसिटा के फ्लैट की तलाशी के दौरान एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में लिखा था, गेट थिएटर टिकट्स फॉर AS। इसके अलावा फ्लैट से पुलिस को कुछ नहीं मिलता। काफ़ी पूछताछ के बाद भी पुलिस को AS के इनिशियल्स का सच मालूम नहीं चल पाता। छानबीन चलती रहती और देखते देखते महीने बीत गए और महीनों से साल, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। इसके बाद यह केस डिटेक्टिव जोसेफ स्टेचुएला को मिला था। एक दिन वे अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, अचानक उनकी नज़र टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि टेरेसिटा मामले में एक गवाह मिला है और वो कुछ बताना चाहता है, आप फौरन हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव फौरन उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इतने दिनों बाद कौन ऐसा गवाह है जो अचानक सामने आ गया है। पुलिस ने बताया कि एक डॉक्टर उनके पास आए थे जिन्होंने बताया कि वो टेरेसिटा के कत्ल के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं। डिटेक्टिव डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। वे टेरेसिटा को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है। रात में कई बार बात करते करते उसकी आवाज़ बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी सोने के दौरान ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर बात करने लगी थी। पत्नी तो मेरी थी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और की थी। मैं उसे देखकर डर गया। इस बीच उसने कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन शावरी है और वो मेरे घर TV ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा, पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दिया ताकि लगे कि मामला लूटपाट का है। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि उसकी पत्नी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह महज एक वहम है। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी की इस बात को नज़रअंदाज करने के अगले ही रोज़ मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया।
मेरी पत्नी फिर जोर जोर से बात करने लगी और इस बार वह अधिक गुस्से में थी और कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने नहीं की। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने हिम्मत करके उससे बात की तो पता चला कि उस महिला का नाम टेरेसिटा है। एलन शावरी नाम के टीवी मैकेनिक को उसने टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और मेरी ज्वेलरी चुराकर ले गया और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। उस आवाज़ ने बताया कि आप मेरे परिवार के लोगों को उसके पास ले जाके वो ज्वेलरी दिखाओगे तो सच का पता चल जाएगा। इसके अलावा उस आवाज़ ने मुझे एलन शावरी और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम और नंबर भी लिखाए। इसके बाद डॉक्टर ने लोकल पुलिस से संपर्क किया, जिसने डिटेक्टिव जोसेफ को यह केस दे दिया था। इस घटना के बाद से एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि घटना के वक्त पुलिस को टेरेसिटा के घर से जो AS लिखी चिट्ठी मिली थी उसका मतलब था एलन शावरी ही। अब डिटेक्टिव और पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या वाकई में उस दिन टेरेसिटा का टीवी ख़राब था। जांच के बाद पता चलता है कि सच में टेरेसिटा का टीवी ख़राब था और बाद में उसने टीवी ठीक करवाया था। अब पुलिस जेवरात वाली बात की वेरीफाई करना चाहती थी। पुलिस को पता चला कि एलन शावरी उसी अस्पताल में काम करता था जिसमें टेरेसिटा काम करती थी। पुलिस ने एलन से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद पुलिस उसके गर्लफ्रेंड के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या एलन शावरी ने तुम्हें हाल ही में कोई ज्वेलरी गिफ्ट में दी है। इस पर वह हाँ कहती है। पुलिस ने उस ज्वेलरी को टेरेसिटा के परिवार वालों से वेरीफाई कराया तो वह टेरेसिटा की ही निकली। इसके बाद पुलिस एलन शावरी को उठा ले जाती है, लेकिन पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था कि कोर्ट में कैसे साबित किया जाएगा कि हत्या उसने ही की है, कोर्ट कैसे आत्मा की गवाही मानेगी। एलन शावरी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील ने उसे बचाने के लिए कोर्ट में यह दलील दी कि हाँ, इसने चोरी जरूर की है लेकिन टेरेसिटा का कत्ल नहीं किया। जब एलन ज्वेलरी लेकर निकला था तब टेरेसिटा जिंदा थी, इसलिए आप इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं लेकिन कत्ल का नहीं। इसके बाद पुलिस फिर फंस गई, क्योंकि अब ज़्यादा दिन पुलिस एलन शावरी को हिरासत में नहीं रख सकती थी। मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही उस डॉक्टर की पत्नी के ऊपर फिर टेरेसिटा की आत्मा आती है और काफ़ी गुस्से में वह अपनी हत्या की आप बीती सुनाती है कि कैसे एलन शावरी ने उसे मारा, उसे उठाया, फिर कारपेट में लपेटा और आग लगाकर चला गया। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, इतना कुछ कहने के बाद भी वह छूट गया। यह सुनते ही टेरेसिटा की आत्मा और भी ज़्यादा भड़क गई और उसने एक एक करके इस केस से जुड़े तमाम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। टेरेसिटा की आत्मा ने जब दूसरे लोगों को भी तंग करना शुरू किया तो पुलिस परेशान हो गई। अब वो क्या करे, पुलिस के दिमाग में यह तो चल ही रहा था कि आत्मा के हिसाब से अब तक की सारी बातें सच हुई हैं, तो हत्या करने वाली बात को कैसे छोड़ा जा सकता है। पुलिस ने एलन शावरी के ऊपर हत्या का मामला भी लगा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा चला, ट्रायल शुरू हुआ, बड़ी बहस हुई, लेकिन इस पर जजों की बेंच बैठ गई क्योंकि ये साबित नहीं हो पा रहा था कि कत्ल एलन शावरी ने ही किया है। ऐसे में वह फिर से छूट गया। कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दिए। एलन शावरी को जेल से आज़ाद किया जाना था, लेकिन अचानक एलन शावरी बदल गया। उसने डिटेक्टिव और उसके जितने वकील थे उनके सामने कबूला कि टेरेसिटा की हत्या उसी ने की है। एलन शावरी ने उन सबको पूरी कहानी बताई कि किस तरह 21 फरवरी साल 1977 को टेरेसिटा ने उसे कॉल कर टीवी ठीक करने के लिए बुलाया। उसका टीवी पहले भी कई बार खराब हुआ था, हर बार टेरेसिटा उसे ही बुलाती थी। 21 फरवरी को वह रात करीब 8:30 बजे टीवी ठीक करने गया था। जब मैं टीवी ठीक करने गया तो मुझे पता चला कि टेरेसिटा के घर पर ज्वेलरी है। मैंने उसे चोरी करने की कोशिश की लेकिन टेरेसिटा ने देख लिया। इसके बाद मैंने उसका गला घोटा और उसके सीने में खंजर घोंप दिया। मामला रेप का लगे इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसकी लाश को एक कारपेट में लपेट कर आग लगा दी। एलन शावरी के कबूलनामे के बाद फिर से ट्रायल शुरू हुआ और एलन शावरी को 20 साल की जेल हो गई। कहा जाता है कि एलन शावरी के कबूलनामे के पीछे भी एक घटना है। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि यह आखिर वह अचानक क्यों बदल गया। इस दौरान पता चला कि कोर्ट ने जब एलन शावरी को छोड़ने का आदेश दिया तो कुछ देर बाद ही टेरेसिटा की आत्मा जेल में आई और उसे मजबूर किया कि वह अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसी डर से एलन शावरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बात सुनने में अजीब जरूर है और इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के कई इंटरव्यू हुए। इनमें उन्होंने माना कि यह दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भूत ने इसे सॉल्व किया है। शिकागो पुलिस ने इस केस को वॉइस फ्रॉम द ग्रेव नाम दिया। इसी नाम से 1996 में एक मूवी भी बनी है। आपको इस बारे में क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।